अम्मी क्या है? वो डैडी कह रहे हैं दो प्याली चाय दे दो। अभी तो चाय बना के दी थी, अब कौन आ गया? शक्कन चाचा आए हैं और उनके साथ दो जने हो रहे हैं, उनको मैं नहीं जानती। सुबह से मैं भगोना भर के चाय बना चुकी हूँ। तुम्हारे बाप खाला के सारे मेहमानों को यहाँ पे लेके क्यों आ रहे हैं? उनको नहीं पता कि शादी वहां पे है तो वहां पे जाएं। चाय काफी सबका इंतजाम हैगा यहाँ, लेकिन तुम्हारे बाप को ये है कि बस इसको काम में लगाए रखें, किचन से ना निकल पाइए। अरे मुझे भी तो जाना हैगा, खाला इंतजार कर रही है कब से, फोन पे फोन आ रही है। मैं डैडी को जानती हूँ, डैडी ऐसे नहीं है। अरे जाओ बेटी, 25 साल हो गए मेरी शादी को, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। जहाँ मैंने कहा मुझे मेके जाना है या मेरे मेके का कोई नाम आया, तुम्हारे बाप को यही प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तुम्हें बुरा बहुत लगता है अगर तुम्हारी दादी फुप्पियों को कुछ कहा जाए, लेकिन अगर ये फंक्शन तुम्हारी फुप्पी के घर होता या तुम्हारे चचा के घर होता तो तुम्हारा बाप मेरी आफत कर देता। अभी तक नहीं गई, अभी तक निकली नहीं, कब जाओगी? अब मेरे यहाँ जाना है तो तुम इतनी देर से जा रही हो, और अब ये मेरे मेके का है फंक्शन, मेरी बहन के घर है, तो तुम्हारा बाप मुझे निकलने नहीं दे रहा है। मैं समझती नहीं हूँ क्या? सब समझ में आता है मेरी, लेकिन मेरी सिदाइत है, मैं आज तक यहाँ रुकी हुई हूँ, झेल रही हूँ मैं। और कोई होती तो तुम्हारे बाप के साथ कोई 2 दिन नहीं टिक पाती, तो मेरा जबर है। Meanwhile, बस मैं यहाँ पे बनाती रहूँ या होटल खुला हुआ है या तुम्हारे बाप ने 4-5 नौकर लगा दिए। नौकर वाला आदमी भी अपनी बीवी से इतनी खिदमत नहीं लेता जहाँ तुम्हारे बाप कोई नहीं है मेरे सहारे को। अच्छा आप बेटी, तुम्हें बना दूं? अरे बेटी रेन दो, मेरे लिए 1 के 70 करने की जरूरत नहीं है। 1 कप चाय बनाओगी, 4 तोड़ोगी, कोई जरूरत नहीं है, कर लूंगी मैं। और तुम जाके तैयार हो जाओ अल्लाह के वास्ते, फिर चलते टाइम मेरा ये नहीं मिल लिया, मेरा वो नहीं मिल लिया, मैंने सब सेट करके रखा है, जाओ जाके तैयार हो। तो मैं हो जाऊंगी ना तैयार? अच्छा मैं जा रही हूँ, तैयार होने जा रही हूँ। हाँ और अम्मी ये कह रहे थे कि वो जो जयपुर से नमकीन लाए वो भी दे देना। वो खत्म हो गई। क्या पूरा डिब्बा भरा रखा है? जैसा बाप वैसी बेटी, दानवीर करण नहीं तो हर चीज लुटा दो लोगों पे। जब से आई है मैंने मुंह पे नहीं रखी है, चखी नहीं है मैंने कैसी है, सब मेहमानों को इन तुम्हारे बाप ने खिलवा दी है। अरे अम्मी तो क्या, तो खत्म हो गई? ठीक है ठीक है। और तुम्हारे बाप को कौन सा कोई चाय को पूछता हैगा? अपनी बहनों के घर जाते हैं तब, मोहल्ले में जाते हैं तब, घर आके चाय पीते जरूर रहेंगे, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता ये कि कोई चला जाए बिना चाय पिए। अरे अम्मी हल्के बोलिए, सुन लेंगे वो। अरे सुन ले, मेरी बला से सुन ले, मैं तो खुदा से चाहती हूँ कि सुन ले और यहाँ पे आना बंद कर दे। लेकिन इतनी अच्छी किस्मत मेरी थोड़ी है कि आदमी सुन के हमारे यहाँ आना छोड़ देगा। काम करते रहो, बच्चों का और मियाँ का बुरा भला सुनते रहो। अम्मी क्या अम्मी है, क्या अम्मी? अच्छा कुछ नहीं कुछ नहीं। वो कहते ना, जिसका मियाँ अच्छा उसके बच्चे भी अच्छे, उसकी दीन भी उसकी दुनिया भी, और जिसका मियाँ बुरा उसका कुछ नहीं होता है। बच्चे ऐसे ऐसे राज अपनी माओ के सीने में अपने दबाए रहते हैं, कोई बात बाप के कान तक पहुंचती नहीं है। और मैंने जरा सा नमकीन को कह दिया कि बाप से कह दो। अरे अम्मी पर बड़ा राज हो तो आदमी छुपाए भी, हम नमकीन का डिब्बा सामने रखा है, तुम दे नहीं रही हो, फिर डैडी गुस्सा करेंगे। बिल्कुल सही कह रही है तुम, तुम्हारे बाप का आर्डर सुनने और उनका गुस्सा झेलने के लिए तो बैठी हूँ मैं यहाँ, बस और मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हैगा। 2000 years later, औरों के बच्चों को देखो, माँ के हमदर्द, माँ के हमराज, और यहाँ मेरे बच्चे दुनिया से अनोखे, अपनी जवानी लुटा दी, अपनी जिंदगी ख़त्म कर दी बच्चों के पीछे, लेकिन है बाप के सगे, माँ से कोई मोहब्बत नहीं। जब मेरी शादी हुई ऐसी रंगत थी मेरी, दग दग मेरा रंग होता था, हर आदमी पूछता था क्या लगाती हो, तो मैं कहती थी कुछ नहीं लगाती हूँ, बस सुबह उठ के बस एक साबुन से मुँह धोती हूँ, तो आदमी हैरत करता था। अब देखो यहाँ के घर के कामों में हर वक्त चूल्हे के पास खड़े खड़े मेरी चेहरे का क्या हाल हुआ है, लेकिन किसी को नहीं। सारी वफादारी, सारा प्यार सिर्फ बाप के लिए। माँ तो है ही बुरी, माँ तो बुरी होती ही है, माँ से बुरा कौन होता है? ऐसा नहीं है अम्मी, बस सुबह से मैं यही करे जा रही हूँ, एक एक आ रही है उसको चाय बना बना के दिए चली जा रही हूँ, ना सुबह से मैं नहाई हूँ ना कपड़े धुलेंगे। अम्मी मैं धो दूँ कपड़े? हाँ तुमसे तो ये तक नहीं होता कि मशीन का बटन घुमा दो, वो भी मैं जाऊंगी तो घुमाऊंगी, ये कपड़े धोऊंगी, आई बड़ी कहीं से, मैं धो दूँ कपड़े।
जो बच्चे हिल के पानी नहीं पीते हैंगे, प्लेट भी माँ के आगे कर देते हैं कि जाओ किचन में रख दो, वो मेरे कपड़े धोंगे। मैं तो और बच्चों को देखती हूँ तो उनकी माँ की किस्मत में मुझे रश्क आता है कि ऐसी किस्मत, ऐसी अच्छी बच्चे, एक हमारे हैंगे। Six and a half hours later. डोली अपनी खैरियत चाहती थी यहाँ से चलो। अम्मी तो बहुत गुस्से में लग रही हैं। चाय तो उबली नहीं, अम्मी उबल गई। तो क्या किया आदमी? ये अच्छा है। जब मम्मी डैडी पे गुस्सा होंगी, सारा गुस्सा हमारे पर उतारते।